हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आज हम दोस्ती चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे, और आप तब तक वीडियो में बने रहें और अच्छे से सब कुछ दिखाते हैं वहाँ, जो जो कुछ भी है, पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी सी है, वो दिखाते हैं आपको। पंकज को रिश्तो देखन जा रहा है, पंडित सिंह गया था, मैं क्या करूं फिर, मैं क्या करूं, कितना बैंडा तो जैसा हुआ, कितना बावड़ा था, मैं क्या करूं, साले क्या करेगा अभी, मैं पंडित सर डरता हूं अपना, हम बोलना तो कि नहीं बोलना, ऐसे ऐसे पीछे नीलम चंद्र
की बात। तो देखिए दोस्तों, हम चढ़ते चढ़ते हनुमान मंदिर के पास आ चुके हैं। ये देखिए बहुत बड़ी प्रतिमा है ये। सभी की सांस फूल चुकी है यहाँ पे। बस अभी थोड़ी सी चढ़ाई की है, देखो ये पूरा गांव है। ये देखिए अभी तो ऊपर तक पहुँचना है। ये देखिए दोस्तों, अभी ज़्यादा चढ़ाई नहीं की हमने, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चढ़ते जा रहे हैं बस। ये देखिए ये आ गए हमारे हनुमान जी। दूर से आया बाबा धाम तेरे द्वारे। ये देखिए दोस्तों, बस ऐसे ही फोटो बन सकती है क्योंकि यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा और चढ़ने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर पहले बहुत सारे ऋषि मुनि लोग रहते थे जो तपस्या करते थे। ये देखिए यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पर भी है। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर है। अभी हम चढ़ते जा रहे हैं और मंजिल अभी पहुंचे नहीं है क्योंकि अभी हमें और भी ज़्यादा चढ़ना है। लगभग हमें ने यहाँ पर देखे, यहाँ पर हवन करते थे। ये बाबा जी का धोना तो बोलते हैं वो है। देखिए यहाँ पर इतने शूल भी लगा है। ये देखिए दोस्तों, एक मंदिर है। ये बाबा जी की मूर्ति है जो यहाँ पर तपस्या करते थे पहले। ये यहाँ पर महाभारत की एक तस्वीर बनाई है, विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था वो इस चित्र में दर्शाया गया है। ऊपर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सारी प्रक्रिया दिखाई गई है। ये देखिए ऊपर की तरफ बनी है सभी तस्वीरें। देखिए यहाँ पर आधी बन रही है, मतलब अभी नई तस्वीर बन रही है। ये देखिए दोस्तों, बीच में तुलसी का पेड़ यहाँ पे बहुत ही प्यारे। ये देखिए हर हर महादेव। यहाँ पर ऊपर बहुत सारी तस्वीर बनी हुई है। ये आपको एक मंदिर का और दर्शन कराते हैं। ये परशुराम जी का मंदिर है। देखो संगमरमर के पत्थर से बने हुए मूर्ति है। यहाँ पर देखिए राम दरबार की पूरी तस्वीर बनाई हुई है एक मूर्तियों के साथ। देखिए ये माता सीता है, ये प्रभु श्री राम, उनके चरणों में हनुमान जी और राम के जी के बाजू में हैं लक्ष्मण जी। देखिए नीचे दो लड्डू गढ़वाल भी हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे की चढ़ाई पूरी करेंगे। यहाँ पर एक मंदिर है, देखिए माँ दुर्गा की मूर्ति है, बहुत ही विशाल मूर्ति है। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से परिक्रमा की जाती है,
भगवान करके रेली के पास आ जाएंगे। ये मंदिर का पिछला भाग है, यहाँ पर लिखा है कि शोर ना मचाए। यहाँ पर काफ़ी सारी तस्वीर बनी हुई है, तस्वीरों की तो कमी नहीं है यहाँ पर। ये माता संतोषी की तस्वीर बनी हुई है, पर अंधेरे की वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये हम यहाँ पर परिक्रमा पूरी करके फिर वापस आ गए। देखिए दोस्तों, ये मंदिर का पुजारी है और मूर्ति बहुत सारे रखी है। ट्रेन को 1.5 घंटा को आने को, 1.5 जाने को, 3 घंटा को सफर है, 1 घंटे। दोस्तों अब हमने यहाँ पर रेस्ट कर लिया है, तो हम अब आगे का मंदिर दिखाएंगे। और जो यहाँ पर कुंड है और जो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कुई जिसका नाम चंद्रकुई है, उसके दर्शन आपको करवाएंगे। ये है बाबा रामेश्वर दास जी की मूर्ति, जो चंद्र ऋषि के बाद में इन्होंने यहाँ पर तपस्या की। ये एक राम दरबार की पूरी चित्र है। ये देखिए यहाँ पर राम जी की पूरी जीवन कहानी को एक चित्र के रूप में प्रदर्शित किया है। देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कुंड है जिसका पानी अभी बहुत ज़्यादा गंदा है। इसमें हम बिल्कुल नहीं नहाएंगे, हम चंद्रकुई में नहाएंगे, क्योंकि उसका पानी बहुत ही ठंडा होता है और इस गर्मी में जो हमारे बिल्कुल ये अनुकूल रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्लीवर भी लगाया ताकि कोई यहाँ पर जंप ना करे। कुंड में उतरने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ भी दी गई हैं। इधर देखिए, वो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा क्या, ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से उतरेंगे और फिर ऊपर चढ़ना होगा यहाँ से उतरने के बाद। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है, चलो आपको इसके दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही हमें गणेश जी की एक मूर्ति दिख जाती है और इसके साइड में, लेफ्ट साइड में शिवलिंग रखा है जो कि इसी पहाड़ी के पत्थर से बना है। देखिए, और दाई ओर भी एक शिवलिंग है और ऊपर एक घंटी भी लगी है। इस ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा व्यू है, इतना ऊंचा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे उतरने के बाद हमें लेफ्ट साइड में कीर्तन करने की जगह मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ पर पूरा एक होल है। नहीं, ये क्यों बना है बताओ? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जंगलों से निकलने के बाद पूरा गांव दिखता है इधर। इस गांव का नाम कुलताजपुर है। यहाँ पर नीचे गुंबद बने हुए हैं।
कभी भविष्य में खत्म होगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें अभी भी पानी है। यहाँ से ही लोग पीने का पानी जो है इस कुएं से निकालते हैं। देखो यहाँ से बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी से पानी खींचते और यहीं से पीते हैं, और नहाने का भी पानी यहीं से होता है। देखो सोचो नहीं बात, और देखो ये इतना खंबा खुम्बा, ये सारी चीज़ कौन लाया होगा भाई इतना ऊपर से? देखो सारी चीज कौन लाया होगा, कैत रखी है वो, सोचने की बात है ना, इतनी जबरदस्त बात है। देखो कितना लोगा खंबा सारी चीज, ये पहाड़ पर कैत रही हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हवन कुंड बनवाया गया है जहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर हवन करवाने आते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी फलों का पेड़ भी है, ये देखिए सीताफल, पास से दिखाते हैं थोड़ा। सीताफल ये कच्चे हैं, कुछ सड़ चुके हैं, और जामुन का पेड़ भी है इधर, और लग भी रहे हैं यहाँ पर जामुन। जामुन का पेड़ है काफ़ी बड़े पेड़ इधर। ये देखिए दोस्तों, ऐसा होता है सीताफल। जी निकल दे सारा। देखो क्या डर लग रहा है, भूख लग रही थी। कोई आश्रम को मंदिर को खा जा, सारा कपड़ा देख के आ गए थे। कट मैंने पेट पे कटा दिए, ये छोड़ कर दीजिए था ना, कौन कटाएगा तुम को? दीजिए अरे दिन ना 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 फड़े बावड़ा कौन? चलो खींचो भाई, लगा भाई मेरे गूगल लगा लगा है मेरे बड़ा मेरे को लगा दे, मैं घुमा कर लगा दूँ, मेरा पैसा कर लगाऊँ आप लगवाऊँ। चलो फूड कर दी तेरे को,
उठ जा मेरी करी ना होगी तो गल बात लाग भी जाएगा फिर बता भाई ले और ले आ तू पा अकाउंटी एक पूरा फोटो खिंचा ला भाई मेरे तो बुल तो बड़ा ना बाबा जी मैं मेरे घर पर फोटो घर पर ले तेरी खुद की जगह लिख के बना ये देखिए दोस्तों अब हम नीचे उतर रहे हैं अंदर का हमने आपको दिखाई दिया है और ये वाली वीडियो बहुत ही कठिनाई से बनी है हमसे क्योंकि एक तो हमने खाना नहीं खा रखा था ऊपर से इतनी ज़्यादा ऊंचाई और धूप भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमने 12 बजे चढ़ना स्टार्ट किया था। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी पाप कर्मों का फल दिखाया गया है